मारे मिस कुणाल, मैं आज आपको मैथमेटिक की पजल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें तीन इमेज दिए हुए हैं, तीनों इमेज में 5-5 डिजिट है। तो पहले इमेज में हमें 7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, और यहाँ बीच में हमें 51 दिया हुआ है। दूसरे इमेज में हमें 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 39 दिया हुआ है। जो तीसरी इमेज है, तीसरी इमेज में हमें 5, 4, 7 और 2 दिया हुआ है, और यहाँ बीच में हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हमें इसमें यही ढूंढना है कि यह क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आएगा, यानी कौन सा आंसर आएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम 7 × 5 करेंगे। तो हमें इसका आंसर 35 मिल जाएगा। उसके बाद 4 × 4 करेंगे हम, 4 × 4। तो हम 4 × 4 करने के बाद हमें इसका आंसर 16 मिल जाएगा। तो 5 और 6 11 का 1 यहाँ आके लिख दिया, और यहाँ कैरी वर्ड 3 और 1 कितने होते हैं, 4, 4 और 1 5। तो हमें यहाँ हमारा आंसर हमें 51 मिल चुका है, और यहाँ भी 51 है, यानी हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो हम दूसरी इमेज में देखते हैं। तो दूसरी इमेज में पहले हम 5 × 6 करेंगे, 5 × 6। तो 5 × 6 करने के बाद हमें इसका आंसर 30 मिल जाएगा। उसके बाद हम 3 × 3 करेंगे, 3 × 3। तो हम 3 × 3 करने के बाद हमें इसका आंसर 9 मिल जाएगा। तो हम 30 प्लस अगर हम 9 करेंगे तो हमें इसका आंसर 39 मिल जाएगा। तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। अब बारी आई है क्वेश्चन मार्क वाली। तो हम यहाँ पहले 5 × 7 करेंगे, 5 × 7। तो हम 5 × 7 करेंगे तो हमें इसका आंसर 35 मिल जाएगा। उसके बाद है 4 × 2। तो हम 4 × 2 करने के बाद हमें इसका आंसर 8 मिल जाएगा। तो हम 35 + 8 करेंगे तो हमें इसका आंसर 33 मिल जाएगा, यानी 43 मिल जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें 43 लिखना है। तो हमें यहाँ हमारा आंसर 43 मिल चुका है। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको मैथ पजल सॉल्व करके दिखाया। तो आगे मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते।